आप देख रहे हैं ये बेहद डराने वाली है। एक पुलिस थाना जो जल रहा है और उसके पुलिसकर्मी वहां से भागते नजर आ रहे हैं। गांव वाले आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा उस शिकायत में सिमटा हुआ है जिस पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। रक्षक कही जाने वाली पुलिस भक्षक कैसे बन गई? ऐसा क्या हुआ कि गांव वालों के सामने पुलिस भागती नजर आ रही है? यही सब आपको बताएंगे। द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं गरिमा गौर। ये वाक्या है ओडिशा के कंधमाल जिले के फिरंगिया पुलिस का, जो अपनी काली करतूतों के लिए हमेशा चर्चित रहती है। खबर है कि इस पुलिस थाने के थानेदार और दो होमगार्ड जब्त किए गए गांजे की बिक्री करने लगे थे, जिस बारे में शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद गुस्से से भरे गांव वालों ने थाने में तोड़फोड़ की और आगजनी शुरू कर दी। गांव वालों का गुस्सा देखकर पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा। दरअसल मामला ये है कि बीते रविवार की रात कंधमाल जिले की फिरंगिया पुलिस ने दो स्थानों पर छापेमारी कर लगभग 14 क्विंटल गांजा जब्त किया। इसके कुछ दिन बाद गुरुवार की रात इसी थाने के दो होमगार्ड एक गाड़ी में गांजा लेकर बुजा आम्ब गांव गए। अब उन पर आरोप है कि यह गांजा किसी को बिक्री करने के इरादे से ले जाया गया था। जब यह पता चला तो गांव के सरपंच और गांव वालों ने मिलकर दोनों होमगार्ड को पकड़ने सहित गांजे से भरी गाड़ी को जब्त कर वीडियो बना लिया। ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक के पास आरोपियों सहित फिरंगिया थानेदार और दोनों होमगार्ड को गिरफ्तार करने की मांग की थी, लेकिन दो दिन गुजर जाने के बाद भी जब थानेदार और होमगार्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए गांव वालों ने पहले बालीगुड़ा फुलवाणी मार्ग को अवरोध किया। गांव वालों को समझाने के लिए जब SDPO पहुंचे, तभी पुलिस और गांव वालों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसके बाद आक्रोशित ने फिरंगिया थाने में पहुंचकर तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। मामले को लेकर अभी भी फिरंगिया में तनाव का माहौल है, तो वहीं पुलिस तोड़फोड़ और आगजनी के बाद पूरी तरह से एक्शन में है। इस मामले में आगे क्या होता है, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे द नगरी न्यूज के साथ।